नमस्कार दर्शक बंधु, मु संगीता स्वागत करुची आपनकर प्रिय कार्यक्रम पुरा लीला लीला नुहे मो पाप पई पद्म तोड़ा। ए मंच माध्यम रे आपन देखंती अनेक नाटिका, आज भी देखिबे अनेक नाटिका आ पुणी थरे भिजिबे प्रभु कथामृतरे। आ जमा डेरी करिवानी, चलंतो आरंभ करिबा आज रे अध्याय को। दर्शक बंधु, आज रे अध्याय को तो निश्चित रूप रे आरंभ करिबा, किंतु ए मंच रे उपस्थित थिबा समीक्षक अतिथि सहित मुकर परिचय करदेवि। दर्शक बंधु, आम घर अच्छा विशिष्ट कथाकार संलाप लेखक जहाँ को आपण मैने हुत्तपुत्त भाव में जानते ये मंच मध्यम प्रार्थनार अनेक कार्यक्रम मध्यम से आज ए मंच मध्यम पुणी थे प्रस्तुत हो गले आपण मान प्रभु तत्व में पुणी थे विजयापी से आ कहीं नुहत से आपण अति प्रिय शरणारविंद ओझा सर। सर नमस्कार, स्वागत आम मंच को। दर्शक बंधु, ये मंच में उपस्थित समीक्षक सहित मुकर परिचय करदेली। एवं मंच अतिथि सहित मुकर परिचय करेबी। आपण मैने बहुत भल भाव जानते ओडिशा यात्रा जगतर से सुदक्ष कलाकार जड़े मैंने कहुए ओडिशा यात्रार बारहती खंडा से कहीं नुहत आप समस्त प्रिय मोर प्रिय दैतारी पंडा सर। सर नमस्कार, स्वागत आम मंच। हे भगवान सर, आज भी नहांती से दिन मुझे सर डेरी हो गला बोली सर मत के कथा शुणे आज नहांती आज मत कौन कह जी कड़े गले सर आजी गोली मो तारीले जीव तारी कहले देवी बारी বিভিন্ন চরিত্র করে সারিলে কেন্দ্রপড়ার বাবা ঠার জিয়া সব ঠার বাঘ কান্দুচি ঠার জঙ্গল পাখ গাঁরে মোর জন্ম তেড় জঙ্গল মোর জঙ্গলর হাতি মোর চন্দন গছ মোর হাতি দন্ত মোর ओबे साले पुलिस भारे मो एरिया रु बोट आउट करबा को बसी छ हार आप जाबे अपन जाई नांदी कोन जा तू या परे आउरी अनेक अभिन छ मो आज्ञा सर। ना ना आज्ञा आज्ञा अपन को स्थान न तो मो स्थान को जाओ जा जा हर अपन को अभिनय एते मो डोरी जाई थी सर एते सुंदर अभिनय एते जीवंत अभिनय मु निजे ही जानी पारलिनी आपण मते सत्तरे कहउछंती ना अभिनय करछंती। सत्तरे सर आपण यात्रा जगतर सम्राट दैतारी पंडा आपण को अभिनय सब बेले एमती मु कोन जानी पारिबी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, फाइनली आपण आम मंच को आसिले आपण को स्वागत। नमस्कार सर, आपण को पुराण लीला मंच पुणी थरे अपेक्षा करथिला, पुणी थरे आपण ए नाटिकार समीक्षा करिवार सुजोग आउथरे देले आम दर्शक माने भारी खुशी हेबे। एबे चलंत जीवा दर्शक बंधु आउ जने समीक्षक पाख मंच में जीक सब समीक्षा करती नाटिका गुड़िक को आज भी मध्य से समीक्षा करेंगे तांको शैली माने ओडिशा रो विशिष्ट पाला गायक सर से चंद्रशेखर सर आ साथी सर नमस्कार, स्वागत आम मंच को। दर्शक बंधु, कहा जाए भक्ति रे अनेक शक्ति अच्छी। प्रभु नारायण दुर्वासांकर गर्व खंडन करते आ गर्व खंडन करी भक्तर से साय करते कि कहार साय करते दुर्वासा गर्व खंडन से किपरि करते सब जानापी आपण मैंने भी मो भाया व्यग्र हो गले ना तो चलते देखा ये सुंदर नाटिकाटी। आज द्वादशी पारणा करने को पड़ द्वादशीर समय अतिवाहित हो गले पारणा कले नर्क को जीवाक पड़े किंतु अंत पक्षे जड़े अतिथि को भोजन देवा पड़ किंतु एपर्तंत राजप्रसाद को कहीं जड़े अतिथि भी आसिले एपटे द्वादशीर समय अतिवाहित हो जामती मत पारणा शेष करने को पड़ हाँ ओ नारायण नमः।
नमः। महाराज आपण ये कि अन्याय करुछंती, आपण जने अतिथि को उपास रखी पारणा करुछंती, आपण जने विष्णु भक्त आपण को घरे पारणा करी बोली मु अनेक कष्ट सही आसी छी, आपण जदि मते उपेक्षा करंती ताहले ए पापर दाई हेबे आपण। हे मुनि श्रेष्ठ, आपण को परि व्यक्ति को पाई मु द्वादशी पालन कले पारणा कले मोर मंगल हेबो। हे प्रभु, हे मुनि, आपण तो अंतर्यामी, आपण जानिले सब किछि जानि पारिबे। द्वादशी समय अतिवाहित तो हेई जले जदि हमको पारण करिवा को पड़े नरक को जीवा को पड़िबो। हे मुनिवर, मु आपण को निवेदन करुछि आपण यथा शीघ्र स्नान करी आसिले आमे पारण करिबा। हे मुनिवर, आपण स्नान करिबा को जानत। ठीक अछि, मो स्नान करी फेरुछि, आसिले पारणा हबो। दुर्वासा ऋषि गले कुआडे, हेतळ पर्यंत स्नान करी फेरु नहाती काईंकि, हेपटे द्वादशी समय अतिक्रांत हबाकु जाउछि, जदि मते ताहा परे पारण करिवाकु पडिबो मते नरक को जीवाकु पडिबो। हे प्रभु नारायण, हे प्रभु नारायण, अनंत नारायण प्रभु, मु एही समय रे मु किछि बुद्धि बाट पाउनि प्रभु, प्रभु मते मते रक्षा करंतु, बुद्धि दियंतु प्रभु, बुद्धि दियंतु नारायण। हाँ, जल जल को खाद्य रूप से ग्रहण करा जाए ना, फल मूल खाद्य न खाई जदि द्वादशी पालन करे जल द्वारा ताहले मोर धर्म रक्षा हो व्यतीत अतिथि को उपास रखी मुझे जल द्वारा पारणर विधि पालन करे ताहले मते सुफल मिलिबो। हाँ हाँ ठीक ठीक। ॐ नारायणे नमः। रे धर्मवक, तोर भंडा भी सब धरा पड़ा, अतिथि को उपवास करी तू पारणा करी विष्णु भक्त बोली चारिआड़े डिंडिम पिटुचु, हेले केतेटी मुहूर्त तू अपेक्षा करी पारिनु, अहंकार रे तू स्फीत धरा को सरा मने करुचु, मु तते ब्रह्म साप देवी, से साप रे तू ध्वंस हबु। हे मुनिवर, हे मुनिवर, मते रक्षा करंतु मुनिवर, मुनिवर, मु सेमिति कौनसी पाप करिनि, आपणक भरी व्यक्तित्व पाखरे मु किछि भूल काम करिनि प्रभु, मो मनरे अहंकार बोली किछि नाही, आपण चिंता कले निश्चय जानी पारिबे केवल द्वादशीर समय अतिवाहित होइथिबारु गुण गुड़ परिमिण जल पान करी केवल पारणर रक्षा करिछि, आपण चाहिले सब बुझी पारिबे। हे मुनिवर मते आपण क्रोधर रक्षा करी दुराचारी राजा, अहंकार रे तू धरा कु सरा मने करुछु, अरे राधा को ध्वंस करिया पूर्वरु तारो ए समग्र राजवाटी को ध्वंस कर दियो, ध्वंस कर दियो। हे प्रभु, मो समस्त जली गला। हे प्रभु अनंत नारायण रक्षक, हे प्रभु अनंत नारायण रक्षक प्रभु, मते कहीं की एपरी परीक्षा दे प्रभु, मोर समस्त जली गला प्रभु, मते रक्षा करो प्रभु, जाओ सुदर्शन, मो भक्त अम्बरीशंकु ब्रह्मसापुरु मुक्त कर एवं महाकोपी दुर्वासंकु उचित शिक्षा दियो। ये कौन सुदर्शन चक्र? हाँ, नहीं,
ये तो संगे संगे मत मारी दबो प्रभु रक्षा करो प्रभु मु अपराध करिछि आपण 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 को सुदर्शन चक्र को फेरे नियंतु प्रभु हे ऋषिवर मु सब किछि सह्य करि पारे हेले मो भक्तर अपमान कदापि सह्य करि पारिबि नै अंबरीष मोर परम भक्त किंतु तुम्हें निज तपस्यार अपव्यवहार करी तांकर अजथा अनिष्ट साधन करिछ तेणु तुम्हें अंबरीष निकट को जाओ जदि सी तुम्भ को क्षमा दियंती ताहले ही तुम्हें सुदर्शन चक्र रु मुक्ति पाइब नचे ब्रह्मांड रे केही भेले तुम्भ को रक्षा करि पारिबे प्रभु प्रभु हे राजा आपण आपण महा सौभाग्यशाली आपण को भक्तिर शक्ति ये मु जानपारी मत मत क्षमा करतु मु आपण को ब्रह्म साप दे घोर अपराध करी मत क्षमा करतु सुदर्शन चक्र दाऊ मत रक्षा करतु राजा मत रक्षा करतु हे प्रभु अनंत नारायण दुर्वासा मोर अतिथि अतिथि सत्कार एपर्यंत मध्य करि पारिनि प्रभु मु तो दुर्वासा को केबेठु क्षमा करि देछि हे प्रभु अंतर्यामी नारायण आपण मध्य ताकु क्षमा करि दियंतु प्रभु चमत्कार अभिनय सुंदर विषय वस्तु आपन तीन जनकर अभिनय बहुत ही भल थिला मते बहुत भल लागिला जी भी सनात बिंदा सर का पखु सर कोन कहबे मु महाछन्न आ मु मग्न अभिनय रे अंबरीष का चरित्र से जो विष्णु भक्त रे जो लक्षण जो वैष्णव लक्षण सब ता बड़ चमत्कार ढंग रे प्रकाशित होतला संग्राम पर संग्लाप रे संभ्रमता रे चरित्र रे सरलता रे आ दुर्वासा ऋषिंकर जो चरित्र रे दुईटी दिग गोटे से जलपान कर देखी से जो उग्र उताप वृष्टि करवा आ गोटे समय पश्चाताप को नहीं चरणारविंद निजक समर्पित दवा ये दुईट जाक दिशा बढ़िया दिशा था आ गोटे डायलग पर आसी कृष्ण भगवान विष्णु भगवान चमत्कारिता देखते जदि अंबरीष चरित्र को आप देखिए अंबरीष चरित्र कौन अच्छी ये नाटक आमको कहे अंबरीष भगवान विष्णु दुर्वासा उद्देश्य सुदर्शन प्रेरण करें तो अंबरीष भितर एम कौन स्वतंत्रता थिला जा अन्य कहा भितर नथिला सारा दुनियार भक्त सारा दुनियार श्रद्धालु जा भगवान को द्वार आगे ठिया हूँ जी निज द्वार आगे भगवान को घंटा घंटा ठिया करते से होती अंबरीष जोबले भगवान पहुँची मु भगवान अंबरीष फेरी चाहूना भगवान कहते मु भगवान सेपटे बापा डाकुं पुअरे पानी टोपे दे अंबरीष फेरी चाहूना भगवान कहते जान किए आसी अखिल ब्रह्मांडर रक्षाकर्ता सृष्टिकर्ता मु आस ना आपण जी हूँ मो सृष्टिकर्ता मो बापा माँ मोपी ब्रह्मांड मो बापा माँ आगे मो बापा माँ को कथा बुझी तापर को भगवान अच्छी कथा चिंता करी भगवान बुझीगले जे एमती भी पुओ दुनिया अच्छा गोटे पुअर पितृमातृ भक्ति से नारायण तक निजर भक्त सजे ने मुंड मुकुट पिंधेदे आठ बड़ कथा कौन अच्छी ये नाटिका आमको से शिखाऊ देउलर देवता हुए तो डाक शुणी न पारती किंतु झाटीमाटी अगणा भितर से वयस्क बापा माँ मैने जी कथा कुहा देवता जी ता बापार नुह जी ता मार नुह जी ता गाँर नुह से चंडा दुनिया रे कहार नुह जी ता बापा मार से 33 कोटी देवतांकर हबा को बाध्य बढ़िया बहुत बहुत धन्यवाद सर दैते सर आप अभिनेता मान को कौन कहते अभिनय विषय सुंदर अभिनय अभिनय सुंदर किंतु मुझे नुआ शिक्षा सब पाऊँ मत बहुत किसी शिक्षक मिली यार भितर मत नुह प्रार्थना चैनल देखुवा सब दर्शक बंधु मान महान शिक्षा निश्चय पाइबे सुंदर अभिनय करुंदर सुंदर स्टोरी सुंदर कथा
पिता स्वर्ग पिता धर्म पिता ही परम तप ये स्टोरी बुझे दिए पिता माता को जे सेवा करे पाखे भगवान भी हार मान जा पिता माता पड़ कई ना जय जगन्नाथ। धन्यवाद सर। चंद्रशेखर सर नाटिकार समीक्षा कौन कहवा चाहिए? अम्बरीश भगवान विष्णुंकर भक्त जड़े वैष्णव एवं जड़े वैष्णव चबीश एकादशी पालन करती आम भारतीय परंपरा आम सनातन धर्म नियम पंदर दिन गोटे दिन आम उपवास रहा उचित एवं ता पर दिन क्या कि खावाक दवा पा मान को हो ब्राह्मण मान को हो खावा दवा पर आम खाइबा। अम्बरीश जीवन यो घटना घटला दुर्वासा से तो क्रोधर अवतार तेणु तक अभिशाप दवाटा यथार्थ से किसी ना कि अम्बरीश एमती एक भक्त जहाँ भगवान निजे दुर्वास मुनि को दंड दवा को पश्चातपद हेले ना पल्लिकवि नंदकिशोर बड़ सुंदर पदटी लिखिश प्राणीर परीक्षा क्षेत्र यही क्षति भल मंद ज्ञान बुझी चलिले मुकति मोहमग्न हुए बण जी थे तत्व बुझी से ये मोहरे पड़बनी तेणु तत्व बुझी अम्बरीश भगवान चरण सानिध्य पाइले भक्त पाई भगवान निजे सुदर्शन चक्र प्रेरण कले जय श्री कृष्ण। महाभारत युद्ध समय कथा युद्ध क्षेत्र में पड़ी रही अनेक मृतदेह आ से मृतदेह को देखा आसी किसी राक्षस और राक्षसी और से राक्षस राक्षसी मान दुईज मृतदेह मानक देखी किसी कथा होती भितर कौन कथोपकथन चली चलतु आम जाना ये नाटिका मध्यम हजार हजार वीर रक्त मांस चर्बी रे पूर्ण करी हजार हजार रक्त माठिया बंधा मु खाइबी पीबी पंच मांस को चुबे चुबे खाइबी रक्त संपर्क को चिन्ह परस्पर मध्यरे रक्त रोली खेल खेल आमर से किसी जायज ना सेमाने जेते खेलिबे आमर सेते भलो। अरे कोराळो हां गंधा देख एमाने सभ्य हेकिबी केमिति घुण्य भलि आचरण करुछंती अपवित्र एमाने देख गंधा दे मोते से मांसो दे सेटा नुहो सेटा अरे कराळ ए महायुद्ध रे केते सैन्य केते राजा आउ केते घोड़ा हाथी बिना कारण रे बिना दोष रे मृत्यु वरण कलेनी। अरे तू तो इतनी रक्त पी सारलुनी तापरे भी तोर सोस मेंटुनी केमिति मंटिबो दुर्योधनर
ସମଗ୍ର ଆର୍ଯ୍ୟବର୍ତ୍ତ ଥାଉ ଥାଉ ତାର ଯଦି ଶୋଷ ମେଣ୍ଟିଲାନି ମୁଁ ତ ସାମାନ୍ୟ କୁର୍ମୀ ନର୍କ ରାକ୍ଷସ ମୋ ପେଟର ଶୋଷ କେମିତି ମେଣ୍ଟିବ ସେମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭୋକିଲା ସିଂହ ପାଟିରେ ହାତ ପୁରେଇଲେ କ'ଣ ହବ ମୁଁ ସେଇଟା ଖାଇବି ବନ୍ଧା ଏ ଦୁନିଆରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କର ନିଜ ନିଜ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଚରଣରେ ବଞ୍ଚିବା ଉଚିତ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ କିନ୍ତୁ ଆରେ ଆମେ ତ ରାକ୍ଷସ ଆମେ ଆମର ସ୍ୱଭାବ ଛାଡ଼ିବା କେମିତି ସେ ମାଛ ଦେ ମୁଁ ଖାଇବି ଅନ୍ଧା ଏ ସଭ୍ୟ ସମାଜରେ ସେମାନେ କେତେ ଘୃଣ୍ୟ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ଆରେ ଆମେ ତ ରାକ୍ଷସ ତୁ ନିଜେ କହ ଗୋଟେ ରାକ୍ଷସ କ'ଣ ତା ରାକ୍ଷସ ରାଜା ସହିତ କେବେ ଯୁଦ୍ଧ କରିଛି ଆମେ ଆମର ଜଣକୁ ରାଜା ମାନି ଚଳୁ ଅନ୍ଧା ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଖ ଏଇ ଦେଖ ଅନ୍ଧା ଏ ମହାଭାରତର ମହାସମରରେ ଲଢ଼ୁଥିବା ରଥିମାନଙ୍କୁ ଦେଖ ସେମାନେ କେମିତି ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ହଜେଇ କ୍ଷମତା ଲୋଭରେ ସମଗ୍ର କୁରୁ ସଭାରେ ଦ୍ରୌପଦୀର ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଉ ଘରେ ପାଣ୍ଡବକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଅପଚେଷ୍ଟା କଲେ ଆମର ରାକ୍ଷସ ରାଣୀ ହିଡ଼ିମ୍ବ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଘଟୋତ୍କଚ ଅଭିମନ୍ୟୁ କଅଁଳ ଶିଶୁ ତାକୁ ବି ଏମାନେ ହତ୍ୟା କଲେ ଗନ୍ଧା ଆମେ ରାକ୍ଷସ କୂଳରେ ଜନ୍ମ ହେଇ ଭଲ କରିଛେ ଆମେ ଆମ ନିଜ ଆତ୍ମୀୟ ମାନଙ୍କ ରକ୍ତରେ ପୁରୀ ତ ଖେଳୁନି ନା ତୁ ଠିକ କହିଛୁ କରାଳ ତୁ ଠିକ କହିଛୁ ହେ ବିରାଟ ମହାଯୁଦ୍ଧରେ ଏ ସମାଜ କ'ଣ ପାଇଲା ଠାକୁରେ କରନ୍ତୁ ଏମିତି ଯୁଦ୍ଧ ଆଉ କେବେ ବି ନ ହଉ କରାଳ କେବେ ବି ନ ହଉ ଦୁଷ୍ଟ ଧୂମ୍ନ ଧ୍ରୁଙ୍କ ଚୁଟି ଧରି ତାଙ୍କୁ ହାଣି ପକାଉଛି ସେ ପରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୁଣି ଗୁରୁ ଆରେ ଏ କ'ଣ ଧର୍ମ ଯୁଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଅଧର୍ମ ଗନ୍ଧା ଧର୍ମ ଅଧର୍ମ ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କି ସେ ବିଚାର ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ କରିବେ ବାପରେ କି ଅଭିନୟ ମାନେ ମୁଁ ଏଇ ମଞ୍ଚ ମାଧ୍ୟମରେ ଦୁଇ ଜଣ ରାକ୍ଷସ ରାକ୍ଷସୁଣୀଙ୍କୁ ଦେଖିଲି ଲାଇଭ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣ ଡରିଗଲେନି ତ ମୁଁ ତ ଡରିଗଲି ମୋତେ ଡରାଉ ମୁଁ କହୁଛି ମୁଁ
डरीगले मत डराओनि आम दर्शक मैंने भी डरीगले तुम जनकर अभिनय देखिक मो किसी कहबी मुझी स्वर्णारविंद सार्क सर आप समीक्षा करतु ये नाटक आरंभ शेष जाए मो आखिरे पलक भी पड़नी तार कारण कंटेंट सिलेक्शन कंटेंटर प्रेजेंटेशन डायलॉग डेलीवरी आ मते बेसी भल लगला कोरियोग्राफीटा इते नीट कोरियोग्राफी गोटे क्यारेक्टर को पिठीरे पकई बुहाइबा पुणी छाड़ा द्रौपदी कथा कहला बेले जड़े नई पड़ी दुर्योधन दुशासन भूमिका नवा आउ जड़े कोरियोग्राफी रे असुरुणटाए सिंबोलिकाली निजको द्रौपदी बोली प्रेजेंट करवा ठिया हला बेले जने जनक जंग उपर गोड़ रखी गोटे बंका मुद्रा रे ठिया हवा चारिपट को चाहिबा मत लगुला आ भितर ड्रामा जी जो डांस कोरियोग्राफी से ताठू आहुरी बेसी से ड्रामाटा को एते सुंदर कर देजी कोरियोग्राफी कई जने हलचल भी हो पारे आउ दुई जनकर वॉइस स्किल ड्रामाटिक प्रेजेंटेशन मॉड्यूलेशन फैंटास्टिक मोर किछि कहिबार नै बढ़िया ए जाए ए मंच रे देखिथिबा समस्त नाटक भितर पुराण लीलार या बोधे श्रेष्ठ नाटिका जा हो एते सुंदर फीडबैक पाइला परे मन पूरा खुशी हो जाइथिबो किंतु नेक्स्ट परफॉर्मेंस रे आपण माने आहुरी भलो करंतु एटा मोर गुड विशेस जीबी संक पक्कु दैतरी सर कोन कहिबे हम कलाकार को तंका अभिनय विषय सरणविंद सर जा कहले से हम कहि बोली भावतली जते देखिलु परफॉर्मेंस एते सुंदर लागिला बहुत बढ़िया कोरियोग्राफी एकदम फर्स्ट क्लास बहुत बढ़िया लागिला मु तो बहुत राक्षस करी छी किंतु एबळी राक्षस मु करी नै बढ़िया बढ़िया प्रति मोमेंट प्रति स्टेप खूब सुंदर चंद्रशेखर सर इते सुंदर नाटिका में देखिले ऑलरेडी तो आम समीक्षक सर माने ए नाटिका को नै कि तांका समीक्षा करि सारलेनी किंतु यही जो नाटिकार गुढ़ तत्व को आपण को भली भाबरे परिप्रकाश करिवे ए नाटिका राक्षस राक्षसी रूप रे दुई जन अभिनेता अभिनेत्री जा अभिनय कले ये युगोपयोगी एक संदेश सुंदर बार्ता गुटे प्रेरण कले भाई भाई रक्त खेलुचे इटे नारीर सम्मान नहीं ये धर्म उत्थापन होना पतन हो एक विराट संदेश किसी कह पल्लिकवि नंद किशोर बल नियति गति आहा कुटिला अति गति आहा कुटिला अति प्राणी पीड़ने तार उल्कटरती प्राणी पीड़ने तार उत्कटरती नियतिर गति या प्राणी की पीड़ा दबा पाई तार उत्कटरती ये हूँ नियतिर गति कवि कले केमिति आज मित्र काली विषम ओरी आदिर मित्र आदि विषम ओरी काल चक्रर क्रूर गति एपरी काल चक्रर क्रूर गति एपरी ये दुनिया रे आज जे मित्र काली से परम शत्रु आज जे भाई काली से भगारी आज जे मित्र काली से परमरी तेणु उपयुक्त मार्ग उपयुक्त संदेश उपयुक्त वार्ता गुटे देले वास्तव रे महाभारत युद्ध रे भाई भाईर रक्त शोषिला बेले एठी न्याय होची ना अन्याय होची द्रौपदी भली गोटे नारी की विवसना कर देउची भाई भाई सहित लड़ई करुची तेणु राक्षस भाव में जहाँ संदेश देले उभय अभिनेता अभिनेत्री ताहा युगोपयोगी बार्ता जय जगन्नाथ संगीता संगीता मोर गोटे कथा कहार अच्छे असुर असुरुणी को तो सब भल कथा शिखिले आ पुरुष मैंने आउ गोटे भल कथा भी शिखिले स्त्री की स्कूटी किणी देखिए पैसा खर्च करना पिठी से बुआ कुआटे नहीं कि जाओ तो जाओ से स्त्री खाइबार अच्छी क्यारेक्टर तक पिठी से पक स्त्री टी राक्षसटा स्त्री रत जत्न नौ आम खुशी होम स्त्री बाप घर को पड़े बढ़िया महाभारत युद्ध चली सेपटे कौरव सेना पक्षर चक्रव्यूहर रचना सारी नारायणी सेना को सम्मुखीन करिबा पाई अर्जुन भारी जाइछंती अनेक दूर अभिमन्यु पाखरे किछि रास्ता नाही चक्रव्यूहर भेद पाई तांको जिबाको पड़िबो किंतु तांकर वीरत्व उपरे समस्तंकर प्रश्न कारण से होउछंती छोट पिला किंतु युद्ध को जिबा पूर्वरु अभिमन्यु तांको माता सुभद्रांक आगेरे तांको वीरत्वर प्रदर्शन केउ भली भाबारे करुछंती आसंतु देखिबा नाटिका माध्यम रे महाभारत युद्ध विभीषिकार मु आतंकित
केते केते नारी को मथारु असमय रे सिंदूर लिभी तांकु सजेई देछि सधवारु विधवा एही महाकाल केते केते नारी मातृ होराई आजि पितृ शोकरे अधीर केबे केबे सरिबो एही महाप्रलय केबे सरिबो मु युद्ध को जिबा परे अभिमन्यु तमे सबुबेले एपरि कथा कहि मते अधीर करबा सहित तुम्हें कहीं अधीर हो बाबा नाई माँ पिला मैंने सब बड़े माँ पाखे अधीर सब बड़े छुआ तेज मुझे बड़ ही पारिनी ये अतुल ऐश्वर्य कोल से गढ़ले जीवन किए विकास अच्छी माँ ना अभिमनु ऐश्वर्य जीवन विकास ना तेज विकास क्यों अच्छी माँ अच्छी गुण से आज तेबे मो जीवन गढ़ा को आपण कि गुण कि शिक्षा कार्य दे पिता स्वर्ग मर्त्य पाताल त्रिभुवन सर्वत्र सुविदित आए सत्य धर्म न्यायर रक्षक विजय कूल तिलक पुत्रर जीवन कण के भिन्न उपादान गढ़ा ही पारे पुत्र माँ जदि उपयुक्त क्षेत्र में छाड़ न दि जाए आपण मते कहंतु मां भारत वर्षर समस्त वीर मानक समावेश रे कुरुक्षेत्र रे युद्ध चली छी आपण मते सेटे के पठो न दे कहि की मां तुए कोन कहू छी बाबा तुए कोन कहू छी तू परा मो कूड़ा प्रलीप धनो तोर युद्ध को जीवार वयस हेनि बाबा मु कोनो चाहेनी ये सारा ब्रह्मांड रे तमे जणे महावीर होबा पई हेले से उपयुक्त समय तुमर आसी निधन सेमिते कुहनी बाबा माता जीवन केवल वर्ष दिन मास उपरे अवस्थित नुहे मा मानव कर्म ही जीवित रुहे मात्र काक परी निरर्थक दीर्घ जीवन पाई लाभ कोन ता अवश्य सत्य बाबा अवश्य सत्य हेले हेले धन तुमको मुहूर्त न देखिले रही पारिनी अभिमन्यु मुहूर्त न देखिले रही पारिनी मात्र चौद वर्षर बालक तुम्हें क्रीड़ार समय तुम सरी ना हे तुम्हें कहल एभली पुत्र को कौन कौ माँ युद्ध क्षेत्र को पठाई पारे तो माँ उदय दुर्बलता माता समस्त दुर्बलता छाड़ी दियो तुम्हें परा कहिल जहाँ पिता विश्व विजयी ता पुत्र को केबे पराजित वरण करिवो माता मते आदेश दियो मु दुर्बलता प्रकाश करूनी बाबा मु दुर्बलता प्रकाश करूनी धन रे युद्धटा खेल घर नुहे युद्ध हेउची मरणर रंगभूमि एठी बुद्धि लोड़ा आउ बड़ लोड़ा हेले तुम्हर ये सुकुमार शरीर युद्ध करने समर्थ है माता दुर्बलता छाड़ी दियो पिता पितृव्य ज्येष्ठ पिता मातृ स्वयं वासुदेव जत युद्ध में प्रवृत्त से मुमि यही राजा प्रसाद तुड़ीतल्प सजरे शयन करता मुझे आज कूलगुण द्रोणाचार्य गोटे बिहू रचना करम पक्ष से बिहू को भेद करने को कहीं ना पिता एवं मातृ जा जलधर रचना करू को भेद करने को मत आदेश दि माँ मु द्रोण को बिहू को पंड कर असंभव असंभव बापा तमें चक्रव्यूह भेद कर शिखी ना शिखी माँ मुं गर्भरे थिला बेले पिता आपण को भेद रहस्य शिखाई थिले मा सेठ मु आपण को गर्भरे थई शिखिची मुही महावीर रे महावीर मु वीर रक्तम अंगरे प्रवाहित वीर बुद्धि मो मस्तक रे अवस्थित माता आदेश दियो आशीर्वाद दियो ए युद्ध रे मु विजय हेई आसे तापर तमे मते कोले रे धरी पुत्र बोली अनुभव करिवो मा Thank you.
ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ଧନ। ହେଲେ ମୁଁ ତମକୁ ଆଜି ହସି ହସି ବିଦାୟ ଦେବି ରଣକ୍ଷେତ୍ରକୁ। ବୀରର ଜନନୀ ମୁଁ, ବୀରର ପତ୍ନୀ ମୁଁ, ଟିକେ ବି ଆଶଙ୍କା କରିବି ନାହିଁ ଅଭିମନ୍ୟୁ। ଯାଅ ପୁତ୍ର ଯାଅ, ତମେ ଚିରକାଳ ନାମ ରଖି ବୀର ପୂଜ୍ୟ ହେଇ ପୁଣି ତମର ମାତାର କୋଳକୁ ଫେରିଆସ ଅଭିମନ୍ୟୁ। ଯାଅ ଯାଅ ବସ। अति सुंदर, चमत्कार, सुंदर अभिनय, चमत्कार विषय वस्तु नाटिकाटी मते खूब सुंदर लगे। दर्शक बंधु, मोर आशा और विश्वास आपण मन को भी खूब भल लगे। चलत ये नाटिकार समीक्षा करवा। सोनारबिंदु ओझ सर कौन कहे आम कलाकार मान को नाटिकाटी विषय कौन कह? चमत्कार अभिनय था उभय सुभद्रा आउ अभिमन्यु। सुभद्रा भावप्रवणता बारी ही पड़ुला। सुभद्रा जेणु ओडिशी नृत्यशिल्पी तेणु तक अंगभंगी मुद्रा ये सब स्पष्ट पूरा नीट जमती कला कपड़ा उपरे धड़ा चूर्ण छिटाटे पड़ी। बढ़िया अभिनय दूरी ना नृत्य रे भी निपुणा बढ़िया। आउ बाकी बयस कम हेले भी अभिमन्युंकर भी चमत्कार उपस्थापन। अभिमन्युंक प्रसंग देखिले दुईटी कथा मन पड़े। आमे समस्ते कहू अभिमन्युंक सहित मारात्मक भूल हो, अर्थात गोटे निरीह शिशु को अनेक लोक मिसिक मारुचंती। आपण जानी प्रतिदिन अनेक अभिमन्यु चक्रव्यूह भितर निजक विनाश करती। आपण कहे केमी जदि अभिमन्यु शिशु हुए एवं अनेक लोक एक निर्दिष्ट सीमा भितर आक्रमण करती मिलमिशी, तेल आज डेट्रे आम जहाँ आब्रसन कौचे गर्भपात कौचे मातृगर्भिणी शिशु बध पापक मध्य परमाद कि डाक्तर कि कंपाउंडर कि प्रेमिक कि प्रेमिका कि बापा कि माँ कि निष्ठुर साई पड़सा मिलमिशी प्रतिदिन अनेक अभिमन्यु को हत्या करूना कि अतएव आम भी किसी कम पाप करूने। अंत अभिमन्यु को देख आम सुधुरी जावा दरकार, ये प्रथम कथा। द्वितीय कथा, अभिमन्यु चक्रव्यूह बाहरी पारे नहीं कौन पाई गोटे दाम्पत्य पाख को जाती जोटी स्वामीर कथा स्त्री शुणवार अवहेला कै तार फल संतान को भोग करने को पड़े। अर्जुन कहते सुभद्रा कान कि शुणुले हठात निद लगला गोटे माँ किसी समय पर आखि बुझीदेला ता पुओ सारा जीवन पर आखि बुझीदेला। अते आम माँ मैंने आलर्ट रुंतु सचेतन रुंतु नचे उत्तर पीढ़ी अभिमन्यु भली चक्रव्यूहर रथी मान गहणे हारिजे मरीजे आ सरीजे अंत पुराण लीला मध्यम आम एसबू कथा शिखा उचित आ जाणी उचित। बाकी अभिनय चमत्कार मोर कि कहबार नहीं बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। दैदारी सर कौन कह कलाकार मान अभिनय विषय तो अनेक चरित्र आसिले जशोदा माँ भी अनेक चरित्र आसिले अभिमन्यु भी अनेक चरित्र ये लिभे करणी जहाँ सब चरित्र खूब सुंदर लगला। विशेषकर या मध्यम जो सन्देश दर्शक मान पहुँचे शरणाबिंद सार कथा से चमत्कार कथा समस्ते अनुभव करवा कथा जानवा कथा माता पुत्र माँ केमी पुटा को ताकू ठीक दिग्दर्शन दे नवा कथा ठीक बाटर चल कथा टिके भूल भाल हेले कौन हो जाए संदेश मिलला एपिसोड्रु जो जो पौराणिक कथा वस्तु। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये सुंदर कथा टी कहले आम कलाकार मानक निश्चित रूप से भल लगी और प्रेरणा दबो तांकर आगामी नाटिकापाई कि जेहेतु आप मंच में अच्छा आम मन बुझुनी तो जेहेतु ये शेष अध्याय तो यही अध्याय आम समस्त आपण अनुरोध कि आपण मुहर आउ कि संलाप हो कि आपण को जहाँ खुशी आप संलाप मेरे तो जीवन पूरा संलाप भर्ती कहले रात सरीज दिन सरीज सर तथा गोटे सुंदर संलाप कौच गोटे बढ़िया नाटक था कौड़ी खेल जीवन आरंभ रु शेष पर्यंत प्रति क्षण कौड़ी आवश्यकता थातुड़ी शाल रु मृत्यु पर्यंत शव पशाणी जावा पर्यंत कौड़ी आवश्यकता थाए
ସେଇଥିରେ ଗୋଟେ ସଂଳାପ ଥିଲା ଏମିତି ଅଞ୍ଜଳି ନାରୀର ଜୀବନ ଦର୍ଶନ ଏହା ନୁହେଁ ଅଞ୍ଜଳି ଯାହା ତମେ କରିଛ କ୍ଷଣିକ ଉତ୍ତେଜନାରେ ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଇ ଦେହର ଭୋକ ପାଇଁ ତମେ ମୋତେ ମାରିଦେଲ ଅଞ୍ଜଳି ମାରି ତ ଦେଲ ସୁଖର ସଉଦା କିଣିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ହାଟକୁ ଆସିଥିଲ ମଣିଷ ଆପଣା ଇଚ୍ଛାରେ କିଛି କରେନି ଅଞ୍ଜଳି ସେ ଦେହର ଭୋକ ହଉ ବା ପେଟର ଭୋକ ମଣିଷ ଜୀବନର ଆଦର୍ଶ ହେଲା ବଞ୍ଚିବାର ମାନେ ହେଲା ଦେହର ଭୋକକୁ ଦେହରେ ମାରିବା ପେଟର ଭୋକକୁ ପେଟରେ ମାରିବା ଭୋକ ମାରି ଶିଖିନଥିବା ମଣିଷ ଏଇମିତି ବାଟ ବଣା ହୁଏ ଅଞ୍ଜଳି ଯେମିତି ତମେ ବାଟ ବଣା ହେଇଛ ମଣିଷ ଜୀବନ ପାଇଁ ଦୁଇଟା ରାସ୍ତା ଅଞ୍ଜଳି ଗୋଟେ ଚଢ଼େଇର ରାସ୍ତା ଆଉ ଗୋଟେ ନଈର ରାସ୍ତା ଚଢ଼େଇ ସିନା ସବୁଦିନେ ବସାକୁ ଫେରେ ହେଲେ ନଈ ନଈ ଆଉ ଫେରେ ନା ଅଞ୍ଜଳି ତମ ଜୀବନ ସେଇମିତି ନଈ ଭଳି ଅଫେରା ଅଞ୍ଜଳି ତମେ ଆଉ କେବେ ଫେରିପାରିବନି କେବେ ଫେରିପାରିବନି ତମେ କେବେ ଫେରିପାରିବନି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଏବେ ଯିବି ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ସାର୍ଙ୍କ ପାଖକୁ ସାର୍ ଏଇ ନାଟିକାର ସମୀକ୍ଷାରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ କର୍ମ ପାଖକୁ ସୁଭଦ୍ରା ଏକତ୍ର ହେଲେ ଅଭିମନ୍ୟୁ ପରି ପୁତ୍ରଟିଏ ଆସେ ଭାଗବତ କରେ ଅତିବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ସୁନ୍ଦର ପଦଟି କହିଲେ ପୁଣ୍ୟପାତ କର ମାତୃଗର୍ଭକୁ ଆସିବ ତାଙ୍କର ଭାବନା ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତନ ତାଙ୍କର କର୍ମ ଯାହା ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଲା ଅଭିମନ୍ୟୁ ପରି ବୀର ଯିଏ ବହୁତ କମ ବୟସରେ ସପ୍ତରଥିଙ୍କୁ ପାଣି ପିଇଦେଲା ଏମିତିଆ କବିର ପୁତ୍ର ପଲ୍ଲିକବି ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳ ସୁନ୍ଦର ପଦଟି ୟା ଜଗତେ ସର୍ବକର୍ମର ଆୟତ ସର୍ବକର୍ମର ଆୟତ କର୍ମ ଦୁଃଖ ସୁଖ ହେତୁ ହେ ଧୀରେ କର୍ମ ଦୁଃଖ ସୁଖ ହେତୁ ହେ କର୍ମ କରେ ସ୍ୱର୍ଗ ନରକ ରଚନା ଧୀରେ ନରକ ରଚନା ଜାତ କର୍ମ ଶ୍ରୋତୁ ହେ ଜାତ କର୍ମ ଶ୍ରୋତୁ ହେ ଇଏ ଜଗତଟା କର୍ମମୟ ଜୀବନ ଇଏ ମଣିଷ ଯିଏ ଯେମିତି କର୍ମ ଏଇମିତି ଏ କର୍ମବୀରଙ୍କ ପାଖରୁ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ପାଖରୁ ଏକ କର୍ମବୀର ଆସିଲେ ଯିଏ ମହାଭାରତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜ କର୍ମକୁ ପ୍ରତିପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ବୀର ମରେ ଅବା ମାରେ କରି ରଣ ସେ ଅର୍ଜୁନ ଭଳି କର୍ମୀ ସୁଭଦ୍ରା ଭଳି ଜଣେ ନାରୀ ଏଇମିତି ନରନାରୀଙ୍କ ପାଖରୁ ଅଭିମନ୍ୟୁ ପରି ଯଶସ୍ୱୀ ବୀରପୁତ୍ରଟି ଆସିପାରେ ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ଏ ମଞ୍ଚ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟରେ ଅନେକ ନାଟିକା ଦେଖିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ନାଟିକାରୁ କିଛି ନା କିଛି ଶିଖିଥିବେ ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ନାଟିକା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଭୁ କଥାମୃତରେ ଆପଣ ହଜିଥିବେ ଆଉ ଭିଜିଥିବେ କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସମୟ ହାତରେ ବନ୍ଧା ଆଜି ତ ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟକୁ ମୋତେ ଏଇଠି ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଆସିବି ପୁରାଣ ଲୀଳାର ଏ ମଞ୍ଚକୁ ନେଇ ଆଉ କିଛି ନାଟିକାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଆଜି ପାଇଁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ରହୁଛି ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମ ଆନନ୍ଦର ଉତ୍ସ